हेलो गाइज, यूर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उसे आज हम एक प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आज आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और ये 25 के लगभग प्रश्न हैं और इन्हें हम प्रश्नों के माध्यम से बताना चाहेंगे। तो गाइज, पहला प्रश्न हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में वर्ष 1958 में स्थापित किया गया था। दूसरा प्रश्न हमारा, DRDO का मुख्य कार्य क्या संचालित करना है? तो DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यक्रमों को संचालित करने का है। तीसरा प्रश्न हमारा, भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी कि IGMDP ये कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982-83 में आरंभ किया गया था। चौथा प्रश्न हमारा है, 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो ये विभाग गठित किया गया इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष कौन होता है? तो CSIR का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल क्या है? तो भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कहाँ से कहाँ तक मार करता है? तो ये जमीन से जमीन तक मार करने वाला मारक क्षमता वाला 250 किलोमीटर का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पृथ्वी का प्रथम परीक्षण चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र कहाँ से किया गया, कब किया गया? तो पृथ्वी का प्रथम परीक्षण चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र ये 25 फरवरी 1988 को किया गया। अग्नि किस पर मार करने वाला जो मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल है ये कहां से कहां तक मार करता है? तो ये जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण कब किया गया? तो अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया। त्रिशूल कम दूरी का मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र क्या है? जो ये जमीन से हवा में मार करने वाला कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? त्रिशूल का सफल पहला परीक्षण किया गया 5 जून 1989 को किया गया। नाग एक प्रक्षेपास्त्र जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है ये कैसा है? तो ये टैंक रोधी निर्देशित है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया? नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। नाग को कैसा टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है? तो नाक को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। आकाश से मार करने वाला मारक क्षमता 25 किलोमीटर बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र क्या है? तो आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया? जो चांदीपुर में किया गया था। तो इसका सफल प्रथम परीक्षण 14 अगस्त 1990 को किया गया। सो गाइस, अस्त्र भारत का प्रथम कहां से कहां मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो ये हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है जिसे कब सेना को समर्पित किया गया है? तो युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा जो किया गया है इसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया है। स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान क्या है? तो स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान क्या है? तो प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान कौन सा है? तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान निशांत है। अतिस्वन कुंज प्रक्षेपास्त्र यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। और ब्रह्मोस
एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र मुख्यतः क्या है? तो एक मुख्यतः पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र ब्रह्मोस है। सो गाइस, आज हमने आपको इस प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या क्या विकास हुआ उसे प्रश्नों के माध्यम से हमने बता दिया। अब इसके बाद आपको हम भारत में जैसे नदियाँ सबसे बड़ी कौन सा है, सागर तट कौन से बड़े हैं, सबसे छोटा क्या है, पर्वत कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, इसे भी हम अगली कड़ी में प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से जल्दी बताने वाले हैं। तो आप लोग हमारे YouTube पर बने रहिएगा, जिससे कि आगे चल करके फिर आपको भविष्य में सूचनाएं मिलती रहेंगी। और ये सारे के सारे प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं, बहुत से विषयों की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, उन सब में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो प्रतियोगी छात्र भी इसे ध्यान में रख करके सुनते रहेंगे और इसे बराबर देखते रहेंगे, तो उन्हें नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।